नगर में पीडीएस के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्न पर फड़ियों की नज़र। गरीबों को दिया जाने वाला अनाज को औने पौने दामों पर व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है, जिसका एक मामला नगर में सामने आया है। यहां नगर के सुशील अग्रवाल उर्फ बंटी द्वारा गरीबों को पीडीएस से मिलने वाले चावल को अवैध तरीके से खरीदा जा रहा था। देखा जाए तो विगत दिनों स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते शिकायत मिलने पर जहां एक मूंग की ट्रॉली जब्त की गई, तो वहीं जांच के दौरान पीडीएस में गरीबों को दिए जाने वाले चावल की ट्रॉली भी जब्त की गई। वहीं जानकारी के अनुसार किसानों की शिकायत पर एक व्यापारी द्वारा बेचे जा रहे मूंग को लेकर एसडीएम दिनेश सिंह तोमर द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं व्यापारियों व फड़ियों के फड़ों की जांच की जा रही थी। इस दौरान नगर के व्यापारियों की तलाशी के दौरान नगर के सुशील अग्रवाल उर्फ बंटी की दुकान पर पहुंचकर देखा और जांच की, तो वहां पर सोसाइटी में दी जाने वाले चावल ट्रॉली में भरे पाए गए। वहीं फूड इंस्पेक्टर प्रकाश यादव द्वारा उक्त ट्रॉली की जाँच की गई, तो ट्रॉली में लगभग 42 क्विंटल के करीब चावल पाया गया। वहीं कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रॉली सहित चावल को जब्त कर कृषि उपज मंडी में खड़ा किया गया। वहीं देखने वाली बात यह है कि 4 दिन पहले जिस ट्रॉली को जब्त किया गया, उस ट्रॉली को एक व्यापारी के मंडी प्रांगण में बने टीन सेट के अंदर खड़ा कर दिया गया। इस बात की भनक मीडिया कर्मियों को जब लगी तो पहले अधिकारी मामले को दबाते नजर आए, लेकिन जब उसके बाद मीडिया द्वारा पूछा गया तो कार्रवाई की बात की गई। गौरतलब है कि 4 दिन पूर्व ट्रॉली को जब्त किया गया जाता है और उसे व्यापारी के टीन सेट में छुपा दिया जाता है। इसके बावजूद भी 4 दिन बाद भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है, तो क्या कारण है कि अधिकारियों द्वारा उक्त ट्रॉली पर कार्रवाई के नाम पर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, या किसी संरक्षण के चलते अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं? वहीं सवाल उठता है कि क्या अधिकारी द्वारा इस मामले पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस मामले को यूं ही जिस तरह ट्रॉली गोदाम के अंदर छुपा दिया जा गया था, ठीक वैसे ही मामले को दबा दिया जाएगा? जिस प्रकार से चावल की ट्राली पकड़ी गई है, अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी, क्या कहेंगे आप? चावल की ट्राली, मूंग की जांच चल रही थी उस दौरान कि मूंग की कोई ऐसी ट्रॉली तो नहीं है कि जो लाया जा रहा हो व्यापारी से खरीद के और सोसाइटी में भेजा जा रहा हो। इसी तारतम्य में अपने इंदौर रोड पर एक चावल से भरी हुई ट्राली पाई गई, उसमें चावल जब्त किया गया पकड़ के और उसको मंडी परिसर में रखा गया। बाद में जब जानकारी मिली तो ये अपना जागरण कार्यालय है न्यूज़पेपर वाले, उनके पास है बंटी अग्रवाल है उनका नाम, बंटी के अलावा और क्या नाम है, सुशील, बंटी सुशील अग्रवाल। तो उनका ज्ञात हुआ कि उनका ट्रैक्टर है और उन्हीं के द्वारा जो घर पे खरीदी की जाती है चावल, इसी दार्जन में फिर उनको नोटिस जारी किया गया। सर ट्रॉली में चावल कितना था? 42 क्विंटल। सर कहाँ से लाया गया था ये चावल? चावल के हिंद्राही से खरीदा था, उसमें पीडीएस के जो हिंद्राही रहते हैं उनके द्वारा खरीदा गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इस पर? अब उसको नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करने के बाद साहब के सामने केस पोस्ट कर दिया गया है, अब उस पर सुनवाई चल रही है, उस पर आज की सुनवाई होगी। कहाँ खड़ी की गई सर ट्राली? अभी मंडी, मंडी का किसके सुपुर्द थी सर? सुपुर्द नहीं, मंडी पे, मंडी से जब्त की गई सर, क्या कार्रवाई की जाएगी दोनों पर? दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है और उनकी सुनवाई करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीहोर नसरुल्लागंज से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।